सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक बहुत बड़े महान कलाकार MF हुसैन सर को। और आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने बिल्कुल फ्लैट कलर का यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक सिंपल सा स्केच पहले मैंने ड्रॉ कर लिया और उसके बाद एक बेस लेयर तैयार करेंगे हम लोग। जो बेस लेयर होता है हमारा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल हल्के कलर्स के साथ हम लोग स्किन टोन का अप्लाई करेंगे। यानी कि आपको ज़्यादा कलर नहीं यूज़ करना है, आपको ज़्यादा पानी यूज़ करना है उसमें। और उसके बाद सबसे पहले आपको जिस एरिया में स्किन टोन देना है वहाँ पे पहले आप पानी अप्लाई करेंगे और उसके बाद थोड़े थोड़े कलर्स को हम लोग फैलाएंगे। और बैकग्राउंड आपका थोड़ा अच्छे कलर, अट्रैक्टिव कलर, ब्राइट कलर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो ड्राइंग है वो खिल के लगे, जो पोर्ट्रेट आपका वो खिल के आए। इस वजह से आपको एक रेड या फिर येलो का एक कॉम्बिनेशन, कुछ कॉम्बिनेशन में आपको एक बैकग्राउंड देना है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है ताकि मैं और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहूँ। और आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल मैंने मीडियम साइज़ ब्रश का यूज़ किया, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा। और जब आप आईज़ के पास आएंगे तो आईज़ के अपर वाले जो हमारा एरिया होता है उसको आप लोगों को गाइस हल्का सा डार्किश कलर से थोड़ा सा आपको यूज़ करना है। और जितना पानी ज़्यादा करेंगे, यूज़ करेंगे पहले लेयर में, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, वो एक स्किन टोन लाने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो जैसे ही मेरा फर्स्ट लेयर सूख गया उसके बाद मैं ये सेकेंड लेयर पे भी आ रहा हूँ। इसमें से थोड़ा सा हम लोग डार्क कलर यूज़ करेंगे। अब पानी कम यूज़ करेंगे और कलर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आईज़ को हमने प्रॉपरली इसे ड्रॉ कर लिया, पेंट कर लिया बहुत अच्छे से। और उसके बाद जो हमारे चीक्स पे डिटेल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा हम लोग बना लेंगे। ज़्यादा डिटेल्स नहीं बनाने हैं, थोड़े कम ही डिटेल्स बनाने हैं। उसके बाद गाइज ये दूसरा आईज मैं बना रहा हूँ और बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाते जाना। अगर आपको सीखना है ऐसे बनाना तो सबसे पहले आपको एक स्केच करना है, उसके बाद ट्रांसपेरेंट लेयर्स का एक लेयरिंग करना है, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री। और जैसे जैसे लेयर्स आगे बढ़ेंगे वैसे आपका डार्क होते जाएगा और आपके एक रियलिस्टिक लुक आता जाएगा। उसके बाद गाइज आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन यूज़ करने हैं स्किन कलर में, क्योंकि किसी का डार्क होता है तो आपको थोड़े से डार्क टोन यूज़ करना है, किसी का वाइट होता है कॉम्प्लेक्शन, तो उस कॉम्प्लेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग प्योर वाइट कलर नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग थोड़ा सा ब्राउन कलर यूज़ करते हैं और उसको वाइट में मिक्स करके और थोड़ा सा कभी कभी ब्लू भी यूज़ करते हैं। और जो दाढ़ी और हमारा हेयर वाला पार्ट है वहाँ पर हम लोग ग्रे कलर का यूज़ करेंगे, यानी कि थोड़ा सा हम लोग ब्लैक कलर को, और थोड़ा सा पानी ज़्यादा रहेगा और थोड़ा सा ब्लैक कलर रहेगा तो उससे हमारा वाइट हेयर्स बहुत ही अच्छे से विजिबल होंगे। और आप देख सकते हैं कोट भी मैंने एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया अच्छे से, और हमारा फेस रेडी है बिल्कुल अच्छे से। इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसे क्विक एक्सरसाइज के रूप में हम लोग देख रहे हैं। और गाइस एक और चीज़ों का ध्यान देना है आपको कि जहाँ पे शैडो आ रहा है उस एरिया को आपको थोड़ा सा डार्क करना है, बिकॉज़ अगर आप डार्क करेंगे तभी वो अच्छे से दिखेगा। जैसे ही किसी पोर्ट्रेट में आप लाइट और डार्क को एक अच्छे से डिफाइन कर देते हैं कि जहाँ पे लाइट आ रहा है उस जगह को आप लाइट छोड़ेंगे, लाइट का स्पेस, और जहाँ पे डार्क है थोड़ा सा भी शेड आ रहा है उस जगह पे आप शेड देंगे, तो वो ना एक वॉल्यूम आ जाता है उसमें, एक ना जान आ जाता है। और यहाँ पे मैं लास्ट में मैं स्पेक्स बना रहा हूँ ब्लैक कलर से, बिकॉज़ जब थोड़ा सूख जाता है तो ये अच्छे से ड्रॉ हो पाता है। और थोड़ा सा एक फिनिशिंग टच दे रहा हूँ मैं अब इनके स्किन पे, और थोड़ा सा आईब्रो में, आपको ज़्यादा आईब्रोज नहीं बनाने, बिल्कुल थोड़ा सा बनाना है। और जो ये मेरा तीसरा लेयर है, अब हम लोग का जो है वो तीसरा लेयर जो था वो कम्प्लीट हो गया है। इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा डार्क डार्क कलर्स का इस्तेमाल किए हैं थर्ड लेयर में। और जब ये थोड़ा सूख जाता है उसके बाद हम लोग जो बचा खुचा हमारा जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड बना रहे हैं। और यहाँ पे लास्ट में मैं इनके एक पेंटिंग का स्टाइल बना रहा हूँ, जो ये पेंट करते हैं, इनका 17th को बर्थडे था तो ये एक तरीके का ट्रिब्यूट है।
और अगर आपको ये पेंटिंग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। आपका वैल्यूबल सपोर्ट और टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।